जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के केशवान और आसपास के इलाकों के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। रविवार को यहां 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्चिंग की तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। गोलीबारी 4 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। जवाबी कार्रवाई के दौरान पैरा स्पेशल फोर्स के 4 जवान घायल हुए थे। इलाज के दौरान नायब सूबेदार राकेश कुमार ने दम तोड़ दिया। सेना के मुताबिक केशवान फॉरेस्ट में छिपे आतंकी कश्मीर टाइगर्स ग्रुप के इन लोगों ने ही 7 नवंबर को 2 विलेज गार्ड की हत्या की थी।